लेकिन हम मैच बड़े शौक से देखते हैं इंडिया की टीम में ना। इंडिया के खिलाड़ी बड़े बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, बड़े यानी पैदार खिलाड़ी होते हैं, सही खेलने वाले। तो इनका बॉलर है ना, ये पांडे, क्या नाम है इसका, हार्दिक पांड्या। हाँ जी, ये बॉलर है, माशा बॉलर बहुत कमाल का बॉलर, अच्छे से चार विकेट लिए हैं और अच्छे स्कोर कर रहा है पार्टनरशिप में, 100 के लगभग खेल रहा है वो। 70 स्कोर किया उसने, ऋषभ पंत ने 100+। पता नहीं पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलते, पाकिस्तान में टैलेंट इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग पता नहीं कहाँ पे रह जाते हैं। जोस बटलर की कैप्टनसी पे भी उंगली उठाऊंगा कि जिस तरह उसने बॉलर्स को यूज़ किया, उसने जो फील्ड प्लेसमेंट्स की और जो चेंजेस वो कर रहा है टीम में, उसको खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे किस पोजीशन पे किस बैट्समैन को खिलाना चाहिए और खुद क्या जगह पे आके खुद किस तरह डोमिनेट करना चाहिए, खुद किस तरह खेलना। इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है, ठीक है, वो हमारे ओपोनेंट हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगता है अगर वो जीते हैं, ठीक है, अगर परफॉर्मेंस भी देखिए, अगर एक प्रेशर मैच था जो है उनके जो है आउट, 3-4 आउट हो चुके थे, तो उसके अलावा उसके बाद पार्टनरशिप लगाना और ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए उतने कम है, 125 स्कोर बनाए एक प्रेशर मैच। प्रेशर बिल्कुल जी सर, बिल्कुल प्रेशर मैच था। अगर जो दरमियान में जो मिडिल ऑर्डर होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता ही नहीं, क्योंकि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला जो तीसरा ओडीआई मुकाबला था, उसमें ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान की जो पब्लिक है काफ़ी हैरान हो चुकी है, और उनका कहना ये है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी क्यों नहीं है, हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी क्यों नहीं है जो कि एक बेहतरीन बॉलिंग भी करे और साथ ही साथ एक अच्छा बैट के साथ भी प्रदर्शन करे, जब टीम को ज़रूरत हो रन बनाने की तब रन भी बनाए और जब विकेट की ज़रूरत हो तब विकेट भी ले। और ऋषभ पंत की भी काफ़ी तारीफ की है उन्होंने और कहा है कि ऋषभ पंत एक ऐसा बल्लेबाज बन चुका है जो कि प्रेशर हैंडल करना जान गया है, जिससे कि उन्होंने टेस्ट मैच में भी कई ऐसी पारियां खेली हैं जिसको भारत की काफ़ी ज़रूरत थी और भारत के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ करके दिखा दिया है। अब वो अपनी टीम में जगह पक्की कर चुके हैं, इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है और कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी जलन भी है कि पाकिस्तान क्यों नहीं जीतता इस तरीके के मैच, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना काफ़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि इंग्लैंड में जिस प्रकार की इस समय उनकी टीम है वो काफ़ी एग्रेसिव टीम है और काफ़ी धाकड़ बल्लेबाजी वाली टीम है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस और अपडेट लाते रहें। तो दोस्तों, तब तक देखिए आप पूरा वीडियो और हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, देखा होगा इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के दरमियान और वो जो सीरीज़ है इंडिया ने अपने नाम कर लिया। जी बिल्कुल, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, इंडिया ने बहुत अच्छी तरह अपने आप को डोमिनेट किया है, और जब भी आप ओवरसीज़ में जाकर खेलते हो और एशियन बैट्समैन या एशियन टीम जो भी है वो हमेशा कोलैप्स कर जाती है वहाँ जाके, लेकिन इंडिया को दाद देनी चाहिए हमें, जिस तरह उन्होंने पहले T20 सीरीज़ खेली और बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको भी जीता, और वनडे सीरीज़ में भी उन्होंने बेहतरीन, सेकंड मैच हारने के बाद थर्ड में उन्होंने फिर कमबैक किया। और मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, ऋषभ पंत ने ब्रिलियंट बैटिंग की उसमें, और जाहिर बात है हमें नहीं भूलना चाहिए, मेरे नज़र में मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या है, जिसने ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग उसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया हमें, 4 विकेट्स लिए हैं उसने, उसके साथ 50 एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उसने किया, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी टीम बैटिंग उन्होंने, और देख रहे हैं हम कंसिस्टेंटली इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो फेल हो रहा है 2019 वर्ल्ड कप से अब तक। तो उसके बाद मिडल ऑर्डर्स में बैट्समैन का आना और ऑलराउंडर्स का आना, और हार्दिक पांड्या वैसे इंजरी से आए काफ़ी देर बाद, उन्होंने ओडीआई में दोबारा बॉलिंग भी उन्होंने स्टार्ट की काफ़ी टाइम बाद, और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं समझता हूँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इंग्लैंड जो कि अभी वो थ्योरी चल रही थी कि बेसबॉल थ्योरी, इंग्लैंड आउटस्टैंडिंग जो है निकल के खेल रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहा है, तो दिखाया जा रहा है कि देखें क्रिकेट एक टिपिकल गेम है, आपको उसको टिपिकल तरीके से फॉलो करना चाहिए, एक दो प्लेयर्स आपके पास होते हैं जो डोमिनेट करते हैं, ऊपर से आगे खेलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन पूरी टीम जो है वो टिपिकल तरीके से निकल के और उल्टी सीधी शॉट्स मार के खेलना शुरू कर दें, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में क्रिकेट एक गेम सदियों से चलती आ रही है, उसी वे में खेलना चाहिए हमें। तो इंडिया ने दिखाया कि जिस तरह टिपिकल गेम खेली जाती है हम उसी तरह खेलेंगे, और हम आपको विन करके दिखाएंगे, एट द एंड रिजल्ट मैटर्स, तो उन्होंने रिजल्ट प्रोवाइड किया हमें। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और जिसकी वजह से ये सीरीज़ अपने नाम की? इंडिया ने बेसिकली उन्होंने पहले तो बॉलिंग में डोमिनेट किया, ठीक है, टॉस जीता, इंग्लैंड जो है वो वैसे तो देखा जाए कि बैटिंग पिचेज आपको इंग्लैंड में मिलेंगी, तो पेसर्स वहाँ पे आपको तंग कर सकते हैं, स्पिनर्स इतना खास तंग नहीं करते, लेकिन उस तरह फिर जब इन्होंने स्टार्ट दिया बॉलिंग से, बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की पहले वनडे में, और इसके बाद थर्ड ओडीआई में देखें तो सिराज ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने
हार्ड लेंथ पकड़ी रखी उन्होंने, उसने खिलाया बैट्समैन को, जिस तरह वो निकलना चाह रहे थे उसने उनको अपॉर्चुनिटी दी जिसमें उन्होंने मिस्टेक्स की, और इंडिया ने उनकी इस कमज़ोरी को पकड़ा कि यार वो डोमिनेट करना चाह रहे हैं, वो खुल के खेलना चाह रहे हैं, तो इंडिया ने वो स्ट्रेटजी पकड़ी और उनको खिलाने की कोशिश में उनको जल्दी आउट कर दिया। तो देखिए हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की जो पार्टनरशिप लगी, तो इंग्लैंड क्यों नहीं उन दोनों की पार्टनरशिप तोड़ पाई? इंग्लैंड बेसिकली जो था वो उनको वहाँ पे गैप दे रहे थे डिफरेंट जगहों पे, जहाँ पे वो देख रहे थे कि आप देखे जाए तो आपको इस टाइम पे प्रेशर बनाना चाहिए था, आपको सिंगल्स रोकनी चाहिए, आपको डबल रोकनी चाहिए, आप उनको हिट करने दें, उनको मिस्टेक करने दें, आपने नहीं, आपने जो है उनको सिंगल डबल इजी लेने दी, जिसकी वजह से उनको बॉल पे सेट हुए वो इस पिच के ऊपर, उनको बॉल नज़र आना शुरू हुआ, उन्होंने फिर बुरी तरह पिटाई की उसके बाद। तो इस हार के पीछे मेन कोई रीज़न नज़र आ रही है कि यार सीरीज पहले T20 सीरीज हार गए, उसके बाद ODI सीरीज हार गए, क्या लॉजिक थी कि जो है इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में सीरीज नहीं जिता बचा? मैं समझता हूँ पहली चीज़ तो है ये है कि पीछे जो आपकी टीम बैठी हुई है, जो कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, पहले तो उनकी थ्योरी पे मुझे सवाल मैं उठाना चाहूँगा कि अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलें, तो फियरलेस क्रिकेट में आप फिर रिजल्ट्स जो है ना वो आपको समटाइम्स ही मिलेंगे, कभी कभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जब आप टिपिकल वे से खेलते हैं, एक अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर क्लासी वे से क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देता जाएगा। तो मैं कोचिंग स्टाफ पे उंगली उठाना चाहूँगा कि जो उन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट को आप T20 की तरह खेल रहे हैं और T20 को आप टेस्ट क्रिकेट की तरह खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये थ्योरी इनकी वर्क नहीं की। सेकंड, मैं जोस बटलर की कैप्टनसी पे भी उंगली उठाऊंगा कि जिस तरह उसने बॉलर्स को यूज़ किया, उसने जो फील्ड प्लेसमेंट्स की और जो चेंजेस वो कर रहा है टीम में, उसको खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे किस पोजीशन पे किस बैट्समैन को खिलाना चाहिए और खुद क्या जगह पे आके खुद किस तरह डोमिनेट करना चाहिए, खुद किस तरह जो है ना तीसरा मैच जीत के वो सीरीज़ अपने नाम कर लिया। तो इस वाले साहब इंडिया की टीम के लिए क्या पैगाम देंगे? इंडिया की टीम के लिए पैगाम ये है कि इंडिया ने अच्छा खेला है, लेकिन पहले जो मैच हुआ था उसमें जो इंडिया ने जीता था 10 विकेटों से वो अच्छा मैच हो गया था, लेकिन अच्छे टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद इंग्लैंड ने सही मुकाबला किया, उसने अपना बदला वापस ले लिया, उससे दूसरा मैच इंग्लैंड जीत गया। हाँ जी, वो अच्छा खेला मैच, इंग्लैंड वालों ने अच्छा बराबर कर लिया। अब जो तीसरा मैच हो रहा है इसमें जो उनका बॉलर है ना वो हार्दिक पांड्या हमें इनके नाम नहीं आते, नाम होते हैं, लेकिन हम मैच बड़े शौक से देखते हैं इनके, इंडिया की टीम के ना, इंडिया की टीम के और ऑस्ट्रेलिया की टीम के, इनके खिलाड़ी बड़े बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, बड़े इनके पैदार खिलाड़ी होते हैं, सही खेलने वाले। तो इनका बॉलर है ना ये पांडे, क्या नाम है इसका? हार्दिक पांड्या। हाँ जी, ये बॉलर है माशा, बॉलर बहुत कमाल का बॉलर, अच्छे से 4 विकेट हैं और अच्छे स्कोर कर रहा है पार्टनरशिप में, 100 के लगभग खेल रहा है वो, 70 स्कोर किया उसने, ऋषभ पंत ने 100+। पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलते? पाकिस्तान में टैलेंट इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग पता किसी कहाँ पे रह जाते हैं। इंडिया की टीम ने आज बहुत अच्छा मैच खेला है, लेकिन तो रविंद्र कोहली ने और इनका जो है रोहित शर्मा, उसने भी अच्छा फॉर्म नहीं दिया, थोड़े अच्छे बैट थे जल्दी आउट हो गए, और ये जो नए बैट हैं, नए बैटों ने अच्छा कमाल किया और अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग अच्छी की उसने, माशाल्लाह उसकी बॉलिंग से पाकिस्तान मैच जीत चुका है। और इंडिया को चाहिए कि ऐसे बॉलरों को और आगे लेके आए, इनकी इनकी ये गुड लक है कि इनको अच्छे बॉलर मिल जाते हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं। लेकिन पहला मैच इंडिया का, दूसरा इंग्लैंड का, अब तीसरा फिर इंडिया का, इंडिया जबरदस्त है। तो सीरीज जो है इंडिया जीत चुका, तो आपको क्या लगा यार तीसरे मैच में इंग्लैंड ने ये गलती की जिसकी वजह से वो जो मैच है इंडिया जीत गया? इनका बॉलर जो माशाल्लाह पीछे अच्छा खेल रहा था, बॉलर टोपले जिसने 3 विकेट, हाँ जी 3 विकेट लिए, इनको चाहिए था उसको लेके आते आगे, बॉलर को जब ये आया था खेलने के लिए पांडे, क्या नाम उसका, हार्दिक पांडे, उसको लेके आते आगे, तो उस बॉलर को चेक करते, उसने चेक ही नहीं किया, ये उनकी गलती क्या कहते हैं उसको, सर्विस होती है कि पहले जो बॉलर फॉर्म में था उसको लेके आते, उसकी फॉर्म से वो शायद आउट हो जाता, लेकिन उन्होंने एंड पे बचा के रखा, एंड पे उसको बच्चे के क्या बचेंगे, जब पहले उसको चेक करो उसके 2 ओवर बाकी हैं, उसको लाओ उसको, उसके विकेट लो, अपना सीरीज से फाइनल बना लो, लेकिन उसने उसको बचा के रखा, उसके बचने से उनको बैट लक मिल गई और जीत गए वो। अच्छा, तो आपको लगता था कि यार मैच शुरू होने से पहले क्या लगता था कि यार कितने चांसेस इंडिया के चांस थे, क्योंकि इंग्लैंड को मार पड़ चुकी थी पहले पाकिस्तान, पहले मैच में से उन्होंने दूसरे मैच में जीत लिया था, तीसरा मैच जीत कर और अपने इलाके में खेल रहे हैं अपने शहर में, लेकिन अब ये उनका शहर तो नहीं था ना इंडिया का, तो इंग्लैंड का शहर था, वो फेवरेट थे, उन्होंने जीतना था, लेकिन इंडिया गुड लग गया यार। सर क्रिकेट को फॉलो करते हैं आप? ऑब्वियसली क्रिकेट तो हर बंदा ही शौकीन है क्रिकेट का। अच्छा, तो बंदा उसे देखता है। सर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो है ODI सीरीज हो रही थी, और वो सीरीज जो है बड़े एक जबरदस्त सनसनी खेज मैच के बाद जो है इंडिया ने अपने नाम कर लिए, इस वाले साहब इंडिया की टीम के लिए क्या पैगाम देंगे कि उन्हीं के होम ग्राउंड में जाके T20 सीरीज हराई और अब ODI सीरीज भी हरा दी इंग्लैंड को इंग्लैंड में? बड़ा अरसा के बाद हुआ कि इंडिया ने अपने आप को दोबारा से
ग्रूम अप करके और उनकी स्पेस पे जाके हराया, क्योंकि बहुत अरसा के बाद ऐसा हुआ है। तो क्रेडिट ही नहीं कि बहुत ज़्यादा जो अभी करंट सिचुएशन में पांड्या जा रहा है और ऋषभ पंत जा रहा है और बाकी लोग जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करे जिसकी बदौलत इंडिया को ये कामयाबी मिली। देखिए हार्दिक पांड्या ने 70 प्लस रन्स किए और 4 विकेट ली, और इधर से ऋषभ पंत ने 125 रन्स किए और जिसकी वजह से इंडिया जीता। आपको लगता है कि इस तरह की पार्टनरशिप होनी चाहिए? यार ऑब्वियसली ये तो रीढ़ के बैकबोन बने हुए हैं इस वक्त, हर मैच के अंदर ये बैकअप दे रहे हैं। पहले मैच में भी ये बहुत अच्छा खेले, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। थर्ड वाला मैच जो लास्ट हुआ है इसमें भी ऑब्वियसली इन्हीं लोगों ने बैकअप सपोर्ट किया और बड़ी जिम्मेदाराना एक इनिंग खेली जिसकी बदौलत इंडिया सीरीज जीत गया। देखिए ये जब मैं मैच देख रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, तो मुझे वो इंडिया पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हुआ था नसीम शाह और जो बाबर आजम की जो पार्टनरशिप लगी, वो पार्टनरशिप याद आ गई थी कि वो सेम सिचुएशन थी। वहाँ पे भी मैच मतलब इनिंग जो फंसी हुई थी, यहाँ पे भी इनिंग फंसी हुई, उसके बाद जो इनिंग पार्टनरशिप एक बिल्ड करना, ऐसा ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इधर जो सिचुएशन है ना, ये बड़े मैच्योर पांड्या बहुत मैच्योर हो गया है और बड़ी अच्छी इनिंग खेलता है और एज ए ऑलराउंडर तो बड़े अरसे से परफॉर्म कर रहा है जिसकी बदौलत इंडिया को एक स्टोरी थी। और वो एक सीरीज तीसरा मैच हुआ, बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और उसके बाद जो इंडिया ने ये मैच अपने नाम किया और इसी के साथ सीरीज भी अपने नाम की, तो इस हवाले से इंडिया की टीम के लिए क्या पैगाम देंगे? सर मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक चैलेंजिंग बात होती है कि किसी के एक होम ग्राउंड में जाके उसको हराना और उनका कॉन्फिडेंस जब पीक लेवल पे हो फिर उनका कॉन्फिडेंस भी तोड़ना, और ये बहुत यानी कि ना टफ सिचुएशन होती है। ठीक है, होम ग्राउंड वालों के लिए भी होती है और जो बाहर से आए होते हैं उनके लिए भी होती है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा खेला। आप बताएं कि ये जो इंडिया तीसरा मैच जीता जो है और टॉप ऑर्डर था वो तकरीबन फ्लॉप नज़र आया और उसके बाद हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने जो पार्टनरशिप लगाई, क्या आपको लगता है कि इसी वजह से जो है इंडिया एक जो है सीरीज़ अपने नाम की इंडिया ने? बिल्कुल बिल्कुल जी, आप देखें ना कि उनका जो ओपनर जो सिस्टम है वो तो उनका चल ही नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद जो भी आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में पहले होता था कि हमारे पहले वाले बैट्समैन चलते नहीं थे, दरमियान वाले आते थे और वो अच्छा खेलते थे और ठीक है और ऑलराउंडर ही बजाते थे। आजकल सिचुएशन इंडिया की टीम की वो पुरानी पाकिस्तान की टीम के साथ हुई हुई है और हमारी जो पाकिस्तानी जो टीम है वो बिल्कुल इंडिया के साथ मिली हुई है। उनका कोहली नहीं चल रहा, हमारा यहाँ पे बाबर चल रहा है, उनका कैप्टन पहले नहीं चलता था, हमारा कैप्टन चल रहा है। तो ये इसी तरह का ना मेरे ख्याल से बड़ा एक क्रॉस सा मैच बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। बहरहाल इंडिया लर्न कर रहा है इन चीज़ों को, इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है। ठीक है, वो हमारे ओपोनेंट हैं। ठीक है, हमें अच्छा लगता है अगर वो जीतते हैं। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस भेजी देखिए, अगर एक प्रेशर मैच था जो है उनके जो है आउट तीन चार आउट हो चुके थे, उसके अलावा उसके बाद पार्टनरशिप लगाना और ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए उतने कम, 125 स्कोर बनाए एक प्रेशर मैच प्रेशर बिल्कुल जी सर बिल्कुल प्रेशर मैच था। अगर जो दरमियान में जो मिडिल ऑर्डर होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता ही नहीं, क्योंकि ओपनर जा चुके होते हैं, पीछे आपके पास बैकअप कोई नहीं होता और आगे आने वाला भी बॉलर होता है। तो इस वजह से मैं वो ये समझता हूँ कि ये इनका जो मिडिल ऑर्डर इस वक्त चल रहा है ना, तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कूल माइंडेड चल रहा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की जो पब्लिक है काफ़ी हैरान है और ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी की कायल हो चुकी है और साथ ही साथ इंडिया टीम की पूरी टीम की तारीफ कर रही है, क्योंकि इंडिया टीम के पास ऐसा टैलेंट है जो कि किसी और देश के टीम के पास नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई ना कोई बल्लेबाज आ ही जाता है हर मैच में जो कि गेम को फिनिश करे और गेम को आगे तक ले जा सके, कोई ना कोई ऐसा प्रदर्शन कर ही जाता है लास्ट तक, क्योंकि बहुत हार ही केस में हमारी इंडिया टीम लूज़ होती है और जब किस्मत ख़राब हो तो फिर उसका क्या कहना। लेकिन हमारी इंडिया टीम जो है काफ़ी बेहतरीन टीम है और विश्व की सबसे बेहतरीन टीम मानी जाती है, जिससे कि सारे देश की टीम जलते हैं। और आपका क्या कहना है कि हमारी टीम जो भारत की टीम है वो कितनी अच्छी है और कितनी अच्छे प्रदर्शन करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान से जुड़ी क्रिकेट की जितनी भी जानकारियाँ हैं सब आपको हम इस चैनल पर देते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।